क्लास टेंथ का इम्पोर्टेंट चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड। एक्चुअली केमिस्ट्री का तीसरा वाला पार्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी पूरी बेसिक्स यहीं पे कार्बोनेट्स कंपाउंड। इसमें एक चैप्टर टेंथ में 8 मास का वेटेज है और 8 मास में 4 to 5 मास क्वेश्चंस जो है हमसे इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स पूछ रहा है, 4 to 5 मास का क्वेश्चंस। सो तो हम लोग क्या करेंगे आज, इसके पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। वो कन्वर्जेंस क्वेश्चन होने के लिए मुझे टोटल 9 रिएक्शंस हमें याद होनी चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 9 रिएक्शंस। सबसे पहला रिएक्शन होनी चाहिए हमें एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें अगर हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, वी गेट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम जानते हैं हमारे पास कौन कौन होते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला हमें पता है CnH2n, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला हमें पता है CnH2n-2। मतलब जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसका डबल होगा और यहाँ पे जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसका डबल से 2 कम होंगे। अगर इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग देखते हैं रिएक्शंस बनते कैसे हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग सैचुरेटेड कार्बन का, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन कार्बन 2 है हाइड्रोजन 4 है, ठीक है। उसमें हमें क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है किसके प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये बन जाएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये था हमारा इथीन और हमारा हाइड्रोजन जुड़ने से क्या बन गया, इथेन बन गया। इसी को हम लोग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं, कि एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है। अब ये इसके क्वेश्चंस अदर भी बनते हैं पर कन्वर्जन में इसका क्या रहता है। पहला क्वेश्चन हो गया हमारे पास रिएक्शंस क्या, एडिशन रिएक्शंस। दूसरा रिएक्शन है वो इथेनॉल का है, सेकेंड रिएक्शन इथेनॉल का, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल बोला, इथेनॉल में अल्कोहल है तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे OH। इथ मतलब 2 कार्बन, हम लोग 2 कार्बन लगा देंगे सिंगल बॉन्ड के साथ, पहले का हाइड्रोजन कंप्लीट कीजिए CH3CH2OH। ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें ऑक्सीजन ऐड करना पड़ता है, सिंगल ऑक्सीजन जिसको हमें नेसेंट ऑक्सीजन भी बोलते हैं। ये डायरेक्टली ऐड होता नहीं है, इसके लिए हमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास एल्केलाइन, पोटेशियम और मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट इसका फॉर्मूला है KMnO4। एल्केलाइन मतलब उसके साथ किसी एल्केली को जोड़ना है, सच है कोई बेस, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस जानते हैं हमारे पास NaOH ले लो या KOH ले लो। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास, सेकेंड ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए या दूसरा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब के पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है हमारा K2Cr2O7, उसमें हम एक एसिड मिलाएंगे H2SO4, इसे क्या कहलाता है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों क्या हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें ऑक्सीजन ऐड करेगा। अब बताइए हाइड्रोजन हटना है तो क्या बनेगा, बताओ CH3COOH। तो आपके पास था इथेनॉल, तो ये ऑक्सीडाइज होके क्या बन गया हमारे पास, इथेनोइक एसिड बन गया।
देखिए जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे है उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ भी मिलेंगे, और यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ हाइड्रोजन मिलके हमारा क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो हमसे क्या याद करना है, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड, प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक एसिड। जितने कार्बन एटम्स यहाँ होंगे उतने ही कार्बन एटम यहाँ होंगे आपके पास, और ये ऑक्सीडाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम लोग जब 11th 12th में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्या है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इथेनॉल पहले ऑक्सीडाइज होता है इथेनल में, और फिर वह फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, इथेनोइक एसिड बनाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास, पहला रिएक्शन था हमारा एडिशन रिएक्शन, जिसमें हमने क्या ऐड किया है, हाइड्रोजन ऐड किया है टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास एल्कीन है और एल्काइन है। सेकेंड रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। नाउ वी आर गोइंग फॉर द थर्ड रिएक्शन। सो द स्टूडेंट्स, जो थर्ड रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम मैटर। तो क्या करना है हमें, ये हमारे पास इथेनॉल है उसका रिएक्शन करवाना है Na के साथ, तो क्या बनना है, यहां से H हट के यहाँ पे Na लगेगा, C2H5ONa। आपको पता है कि हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं होता, वो H2 के फॉर्म में होता है, तो हम बैलेंस कर देंगे ये दो मोल, ये भी दो मोल और ये भी दो मोल, और ये हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम दो ऑक्सीजन के बाद वाले का नाम पहले बोलना है, ये हमारा सोडियम और एक ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया हमारा ऑक्साइड। कितने कार्बन है, दो कार्बन, तो इथॉक्साइड। अगर तीन कार्बन होता तो हम बोलते प्रोपॉक्साइड, चार होता तो ब्यूटॉक्साइड, पांच होता तो पेंटॉक्साइड। ये जो हाइड्रोजन गैस है यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, ये बंच ऑफ द बर्निंग मैच स्टिक विद ए पॉप साउंड। ये बर्निंग मैच स्टिक को किसके साथ बर्न ऑफ करता है, विद ए पॉप साउंड, और दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ एन अल्कोहल। कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ एल्कोहल, आपको पता करेगा किसी को एक पर्टिकुलर लिक्विड है अल्कोहल है, आप पता करो अल्कोहल कैसे है, तो आप उसमें सोडियम मेटल मिला दो और वो अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, और वो हाइड्रोजन गैस क्या करता है, बर्निंग मैच स्टिक को बर्न ऑफ कर देता है विद ए पॉप साउंड। ये दूसरा रिएक्शन था हमारे पास। अगर हमारे पास इथेन प्रोपेनॉल होता तो सोडियम प्रोपॉक्साइड, या ब्यूटेनॉल होता तो सोडियम ब्यूटॉक्साइड बनते। नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। किसका रिएक्शन कर रहा है, इथेनॉल का C2H5OH, क्या मिलाना है हमें, कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाना है। ये कैसा एजेंट है, ये हमारे पास है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा, हमारा हाइड्रोजन यहाँ से वाटर रिमूव कर देगा, निकाल दीजिए H2O, जो बच जाए एज इट इज लिख दीजिए, कार्बन दो था यहाँ भी दो रहेगा। हाइड्रोजन आप देखिए 5 और 1 6 है, और यहाँ दो चले गए, कितने बचे 4, और यहाँ एक ऑक्सीजन था वो चला गया। तो आप बताओ ये इथेनॉल था, ये इथेनॉल है हमारा, जिसको हम लोग इथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं, कॉमन नेम इथाइल एल्कोहल, इथेनॉल यूकेसी नेम है, और ये हमारा क्या बन गया, इथीन। इथेनॉल से हमारा क्या बन गया, इथीन बन गया। अगर प्रोपेनॉल होता तो प्रोपीन बनता, ब्यूटेनॉल होता तो ब्यूटीन बनता। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा स्टेरिफिकेशन रिएक्शन।
मतलब फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। इसमें क्या करते हैं, कोई भी एल्कोहल ले लो आप, उसका रिएक्शन किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से करवा दीजिए, किसके प्रेजेंस में, फ्यू ड्रॉप, फ्यू मतलब थोड़ा सा, फ्यू ड्रॉप H2SO4 लेना है, तो आपका क्या बनेगा, वो ईस्टर बनेगा और क्या बनेंगे, वाटर बनेगा। ये जो ईस्टर है इसको हम लोग डिटेल जानते हैं, इसका IUPAC नेम होता है एल्काइल एल्केनोएट, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है RCOOR, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, इधर भी एल्काइल ग्रुप लगा होता है और इधर भी एल्काइल ग्रुप लगा होता है। जब हम लोग नेमिंग में जाते हैं तो इस वाले एल्काइल का नाम पहले बोलना है और ये पूरे ग्रुप का नाम बाद में बोलना है। ये हो गया हमारा एल्काइल और ये क्या हो गया, एल्केनोइड। अब स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, सबसे ईजी इथेनॉल। अभी हम लोग जस्ट पढ़े, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा हमारे पास इथेनोइक एसिड बनेगा, और यहाँ पे इसका काम क्या है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, फ्यू ड्रॉप या 1-2-2 ड्रॉप क्या लेना है, H2SO4 लेना है। ये एसिड है, यहां से क्या निकलेगा, एच, और यहां से क्या निकालना, OH, और आपका क्या बनेगा, H2O। जो बचा है ग्रुप एज इट इज जोड़ दीजिए, क्या बना आपके पास, CH3COO, और क्या बना, C2H5। देखिए अभी मैंने आपको बताया था ये अल्काइल का नाम पहले बोलना है, ये अल्काइल कौन सा हमारे पास, इथाइल, और एक एक दो कार्बन है तो क्या हो गया हमारे पास, इथेनोएट, और इथाइल इथेनोएट बन गया। ये एक ईस्टर है और ईस्टर की स्मेलिंग होती है स्वीट स्मेलिंग। तो ये स्टेरिफिकेशन में हमें एक बार फिर से मैं लिखूंगा अभी, इथाइल इथेनोइड ये हमारा ईस्टर बन गया। नेक्स्ट, तो पहला रिएक्शन हमने किसी के साथ रिएक्शन करवाया, एडिशन, दूसरा ऑक्सीडेशन, तीसरा रिएक्शन विद सोडियम मेटल, चौथा डिहाइड्रेशन रिएक्शन, पांचवा स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ईस्टर को हम लोग एक बार फिर से जानते हैं, अगर मुझे बोलेगा कि किस अल्कोहल से और कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रोपाइल ब्यूटेनोइड इज फॉर्म्ड, प्रोपाइल ब्यूटेनोइड इज फॉर्म्ड, तो हम लोग ईस्टर के लिए जानते हैं, सबसे पहले ये वाला ग्रुप लिखना है हमें, और इसके बाद वाले का नाम पहले आता है, यहाँ प्रोपाइल है, प्रोपाइल होता है C3H7, ब्यूटेनोइड, ब्यूट मतलब चार कार्बन, एक कार्बन ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे पास, और कितने लाने हैं हमारे पास, 3 लाने हैं, तो C3H7COOCH3। मैंने आपको बताया कि ये वाला ग्रुप कहाँ से आता है और ये वाला ग्रुप कहाँ से आता है, ये ग्रुप आता है हमारा एल्कोहलिक ग्रुप से, और ये कहाँ से आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। अगर मुझे इसका एल्कोहल बनाना है तो यहाँ कौन सा एल्कोहल बनेगा, C3H7OH प्रोपेनॉल, और यहां कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, C3H7COOH मतलब इथेनोइक ब्यूटेनोइक एसिड। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, फ्रॉम विच अल्कोहल एंड विच कार्बोक्सिलिक एसिड ब्यूटाइल प्रोपेनोइड इज फॉर्म्ड, द अल्कोहल इज प्रोपेनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ब्यूटेनोइक एसिड। देखो स्टूडेंट, कुछ भी पूछे, पहले ये वाला आप ग्रुप बनाओ, ये जो पहले जिसका नाम है उसको आप बाद में लिखो उसका फॉर्मूला, और जो ब्यूट में जितने कार्बन यहाँ बात करें, एक कार्बन ऑलरेडी आ चुका, तो उससे एक कम कार्बन वाले का क्या बना दो, एल्काइल बना दो, ठीक है। और उसके बाद आप देख लीजिए ये वाला ग्रुप कहाँ से आता है, एल्कोहल से, इसका एल्कोहल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, OH बनाना पड़ेगा, और इसका कार्बोक्सिलिक एसिड करना क्या बनाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 3-1-4 कार्बन है, इसका क्या बनेगा, ब्यूटेनोइक एसिड। नाउ एक सिक्स्थ रिएक्शन है, वो है इथेनॉल का कंबशन। कंबशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसका कंबशन करेंगे, दुनिया में किसी भी चीज का कंबशन करेंगे, कार्बन कंपाउंड्स का मिलेगा हमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड हीट। सिंस हीट इज इन्वॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन, सो दिस रिएक्शन इज
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आते हैं यहां पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें जाननी है कि जितने कार्बन यहां होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अगर यहाँ पे एन कार्बन होंगे तो यहाँ एन कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और वाटर एक ज्यादा मिलेगा तो यहाँ पे मिलेगा हमारे पास थ्री। आप देख लीजिए बैलेंस, दो कार्बन है यहाँ पे, दो कार्बन, हाइड्रोजन फाइव और वन, सिक्स, थ्री टू जा सिक्स। ऑक्सीजन कितना हो गया हमारे पास, वन, और यहाँ कितना है हमारे पास, थ्री और फोर, कितना, सेवन। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 7/2, मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन कार्बन रहेगा, एन कार्बन का एल्कोहल रहेगा, उससे एन प्लस थ्री एन प्लस 1/2 क्या लेना है हमें, ऑक्सीजन लेना है। देख लीजिए आप यहाँ पे कार्बन कितने, टू, थ्री टू जा सिक्स प्लस वन, 7/2। और यहाँ कितने कार्बन लेंगे हमें, एन कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और एन प्लस वन वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा। अक्सर क्वेश्चन में जब हमारे पास रोड मैप क्वेश्चन आते हैं तो हमारा ये चीज है, ये हमारी बहुत हेल्प करता है ये, कि एन नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुए हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पहले नाइन रिएक्शन लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया कंबशन ऑफ इथेनॉल। नेक्स्ट इथेनॉइक एसिड का थ्री रिएक्शन, तो आइए रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड को हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, विद कॉस्टिक सोडा, विद कॉस्टिक सोडा। इथेनॉइक एसिड CH3COH, कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला हो गया NaOH। यहां देखिए ये बेस है, ये वीक एसिड है, और ये क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस हमारा क्या देता है, OH, और एसिड क्या देता है, H, और H और OH मिलके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, जो बच गया एज इट इज उसको हम लोग ऐड कर देंगे, CH3COONa। अब आते हैं इसका नाम क्या होगा। अभी हमने पढ़ाया था इस वाले का नाम पहले इथाइल था, यहाँ इथाइल के बदले कौन है, सोडियम है, और यहाँ एक एक दो कार्बन सोडियम इथेनॉइड। अब इसमें कंपटीशन में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये जो सॉल्ट होगा वो कैसा सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट होगा, इसी को तो हम लोग शोप बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो पीएच होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा। अगर पीएच ग्रेटर देन 7 होगा तो ये रेड लिटमस को ब्लू करेगा, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। नाउ चलिए इसमें जितने हमारे पास क्वेश्चन था वो हम जान गए हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट। पहला रिएक्शन था कॉस्टिक सोडा, और ये हमारे पास आठवां रिएक्शन है विद सोडियम कार्बोनेट। रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, नाउ स्टूडेंट्स आपको विजिबल नहीं हो रहा, मैं नीचे लिख देता हूं, रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट। इथेनॉइक एसिड का हमारे पास फॉर्मूला है CH3COH, और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3। नाउ हम लोग देखेंगे क्या बनेगा, एसिड जो पिछली बार बना था CH3COONa, और क्या बना, H2O, और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ स्टूडेंट बैलेंस इट, तो टू दो दो मोल ऑफ यहाँ पे सोडियम है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, टू मोल, ये भी टू मोल, और बाकी सब बैलेंस है। एक चीज ध्यान रखना है क्या, कि हमारे पास ये दोनों लिक्विड के फॉर्म में होंगे, और ये क्या गैस है, लिक्विड में गैस होंगे तो वो क्या शो करेगा, शो एफर्वेसेंस। एफर्वेसेंस को हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करें, बबल्स बनना, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइन्थ रिएक्शन, आप देख लीजिए रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। इसका नाम अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, इसका नाम हम लोग क्या पढ़े हैं, सोडियम इथेनोइट, और इसको दूसरा नाम हम लोग जानते हैं सोडियम एसीटेट। एसीटेट वर्ड क्यों आया, क्योंकि ये जो है हमारा किससे बना है, एसिटिक एसिड से बना है।
रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड विद विद बेकिंग सोडा. सो द स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन किसके साथ करवाना है, बेकिंग सोडा के साथ करवाना है. तो हम लोग क्या करेंगे, सी एस थ्री सी ओ ओ एन ए प्लस एच टू ओ प्लस सी ओ टू. देखिए तीनों रिएक्शन में दो चीजें कॉमन है, कौन है, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट और सोडियम एसीटेट. सोडियम कार्बोनेट लो या बाइकार्बोनेट लो, इसी का नाम जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. नेक्स्ट है नाम इसका सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कॉमन नेम इज बेकिंग सोडा. और हमारे पास यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या करेगा, शो एफर्वेसेंस. सो स्टूडेंट्स, हम लोग अब 9 रिएक्शंस पढ़ चुके हैं. पहला रिएक्शन हमारा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो हमारा क्या बना था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना था. दूसरा था रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाया, इथेनॉइक एसिड प्रोपेनॉल का होगा, प्रोपेनॉइक एसिड एंड ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनॉइक एसिड. नाउ हम लोग 9 रिएक्शन के बेसिस पे अपना 50% कार्बन कंपाउंड्स के क्वेश्चन को ट्रेस करेंगे. क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कन्वर्ट के फॉर्म में आएगा. बोले क्वेश्चन, एक कंपाउंड है पी विच ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन KMnO4, विच ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन KMnO4 गिव्स द कंपाउंड क्यू. ठीक है, वे कंपाउंड पी विच ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन KMnO4 गिव्स द कंपाउंड क्यू. नाउ इफ वी एड पी एंड क्यू इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4 वी गेट ए कंपाउंड आर, वी गेट ए कंपाउंड आर. नाउ if we burn, now the last hint, if we burn p in air we get 2 mole of carbon dioxide and water and heat. Identify p q and r and also write the equations involved. So hum start karte hain. अब तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अल्केलाइन KMnO4 का ऑक्सीडेशन किसका करता है, एल्कोहल का करता है, और क्या बना देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड. इतना तो पता चल गया कि पी हमारा एक एल्कोहल है और क्यू क्या हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है. ना अगर हम लोग पी और क्यू को मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, आर बनता है. एंड अगर पी को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. Now this is the last hint. और यही हमारा main hint है. इसने क्या कहा है? इसने मुझे कहा है कि 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं. हमने क्या पढ़ा कि जितने मोल ऑफ कार्बन होंगे अल्कोहल के, जितने कार्बन अल्कोहल में होंगे उतना ही क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर एक ज्यादा मिलेगा. तो हम लोग यहाँ वाटर का भी लिख पाए. Now we get, हमारे पास ये कंफर्म हो गया कि ये जो अल्कोहल है और इसके पास ये पी हमारे पास यहाँ तय हुआ था क्या है, ये एक अल्कोहल है और एल्कोहल में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है. तो हम लोग बना लेते OH और इसके साथ CH2CH3. तो हमारे पास ये तो समझ में आ गया कि P हमारा क्या है, इथेनॉल है. ना अगर हम लोग P का ऑक्सीडेशन करवाए तो क्या मिलेगा हमारे पास, इथेनॉइक एसिड मिलेगा. तो इथेनॉल से ऑक्सीडेशन करवा के क्या मिलेगा बताओ, इथेनॉइक एसिड मिलेंगे. तो हमारे पास P क्या हो गया, इथेनॉल, और Q क्या हो गया, इथेनॉइक एसिड, और R क्या होगा, जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है तो क्या बनते हैं हमारे पास, ईस्टर बनता है, और ये एक ईस्टर है. और रिएक्शंस क्या होंगे, इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन. तो सो द स्टूडेंट, हम लोग आपके फिर से इसको पूरा डिटेल लिखते हैं कैसे बनेगा हमारा. आप क्वेश्चन समझ चुके हैं या पॉज करके पीछे देख लीजिएगा. इथेनॉल हमारे पास समझ में आ गया लास्ट वाले रिएक्शन से कि इथेनॉल है और इसका ऑक्सीडेशन करवाया हमने तो क्या मिला हमारे पास, इथेनॉइक एसिड मिला और क्या मिलता था, वाटर मिलता था. और ये किसके प्रेजेंस में बोला, एल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में. नाउ ये हमारे पास पी हो गया और ये हमारे पास क्यू हो गया. नाउ पी और क्यू का हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, CH3CH2OH प्लस CH3COH. नाउ वी गेट यहाँ H और OH मिलके हमारे पास क्या देगा, H2O देगा. वी गेट CH3COO एंड C2H5. हमारा इस जो R कंपाउंड है इसका नाम क्या है, ये हमारा R था.
और यह इसका इसका नाम है इथाइल इथेनोइट। और एक चीज और, यहाँ पे हम लोग क्या लेते थे, फ्यू ड्रॉप H2SO4 लेते थे। मुझसे पूछे गए इस रिएक्शन को बोलते क्या है, मैं बोलूंगा इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। और क्या पूछेगा, मुझसे पूछेगा ये जो फ्यू ड्रॉप H2SO4 है आपका, इसका क्या रोल है, ये क्या करता है, इसका रोल है ये क्या करता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। देखिए ना आप, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और यहां से H और यहां से OH मिलकर के वाटर क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, पूरा डिटेल आ गया हमारे पास पी का, कि एकदम यहां से यहां तक क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुआ है। और ये क्या बना हमारा, इथेनोइक एसिड, ये हमारा बने इथाइल इथेनोएट, इसी को हम लोग ईस्टर बोलते हैं। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। नाउ द लास्ट रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन क्या था, इथेनॉल को कंबशन करवाना है, तो C2H5OH, अगर आप कंबशन करवाएंगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे एंड वाटर मिलेगा। हमें पता है कि जितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, यहाँ दो कार्बन है, यहाँ भी कार्बन कितने होंगे, दो, उसने क्वेश्चन में हिंट भी दिया था। और वाटर कितना होगा हमारे पास, 3 मोल वाटर हो गया। और ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल, ठीक है। सो द स्टूडेंट, ये हमारा पहला रिएक्शन था, पहले टाइप का। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथेनॉल, सॉरी, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस H2SO4। जैसे एक्सेस बोलेगा तो हम लोग समझ जाएंगे उस इथेनॉल का, उस किसी भी कंपाउंड का क्या करवाना है, डिहाइड्रेशन करवाना है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है, वो कंपाउंड क्यों देता है, ठीक है। एंड डिहाइड्रेशन होगा तो वाटर देगा। इफ हाइड्रोजन गैस इज एडेड टू क्यू इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट वी गेट ए कंपाउंड आर। देख लिए, पहले P है, उसका एक्सेस H2SO4 डाले, क्या मिला Q, और Q में हम लोग क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है, किसके प्रेजेंस में, निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो वी गेट ए कंपाउंड R, ठीक है। ये रिएक्शन क्या कहलाता है, पहली बात। दूसरा, ये रिएक्शन क्या कहलाता है, और व्हाट इज P एंड Q, ठीक है। तो हमारे पास एक और लास्ट हिंट है कि P को अगर हम लोग कंबशन करवाएंगे तो हमें यहां मिल रहा है 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 मोल ऑफ वाटर एंड हीट। ये हमारा हिंट दे रहा है, इसका मतलब यहां से फिर से पता चल गया कि पी में कितने हैं कार्बन, 2 कार्बन है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ, क्या बना हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड बने एंड वाटर बना। अब आइए अल्कोहल, इस रिएक्शन को मैं दोबारा लिखता हूं, ये क्वेश्चन था हमारे पास, इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। पी है H2SO4, ये P हमारा इथेनॉल है, एक्सेस H2SO4 अगर हम लोग ले लेंगे, इसका काम है क्या, डिहाइड्रेशन करवाना। ये कैसा एजेंट की तरह बिहेव करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और ये इथेनॉल से क्या बन जाएगा हमारा, इथीन बन जाएगा, और क्या बनेगा हमारे पास, वाटर बन जाएगा। तो हमारे पास P क्या है, इथेनॉल है, एंड Q क्या है हमारे पास, इथीन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, बोला था क्यू में क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है, तो ये हमारे पास इथेनॉल है और हाइड्रोजन ऐड करेंगे किसके प्रेजेंस में, निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये हमारा क्या बनेगा बताओ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये हाइड्रोजन ऐड होगा। ये रिएक्शन का नाम पूछेगा, इससे मुझे मुझसे पूछेगा इस रिएक्शन का नाम क्या है, मैं बोलूंगा इस रिएक्शन में डिहाइड्रेशन हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। इसमें हमसे पूछेगा इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो हम बोलेंगे इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। बताइए ना क्यों, क्योंकि इसमें हमने क्या क्या है, हाइड्रोजन ऐड किया है। और ये किस टाइप का रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। सो लो फिर मिलेंगे दूसरे क्वेश्चन के साथ, अगले नए टॉपिक के साथ, आज इतना ही। आप लोग इस रिएक्शन को कीजिए, टोटल 9 रिएक्शन है, 9 रिएक्शन आपको करना है। कार्बन कंपाउंड जिसका 8 मास का वेटेज है, 4 to 5 मास का क्वेश्चन इसी रूट में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस।